यू स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिकेज, जो फर्स्ट पेज है आपने वहां से स्टार्ट करना है। देन ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी उस स्केल पे तो नहीं हुई है, यू जस्ट स्टार्ट द डे वन 23rd ऑनवर्ड, डे वाइज आपने उसमें लिखना है कि डे 23rd को स्टार्ट हुआ है ओलंपिक्स, उसमें कौन कौन से मेडल आए, किस कंट्री के आए। देन 24, 25, 26 मीन्स कि डे वाइज यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, देन नेक्स्ट स्टेप इज जितने भी आपके इंडिया की अचीवमेंट्स आई हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इंडिया के मेडल आए हैं, उन प्लेस एथलीट्स के नेम लिखने, ठीक है, उनका पूरे एक एक दो दो पेजेस पे उनकी डिटेल लिखनी है, उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड, उनका जो उससे पहले का रिकॉर्ड है, यू कैन राइट दिस कि एशियन गेम में क्या किया उन्होंने, ठीक है। देन दोज हु आर क्वालिफाइंग फॉर फाइनल हीट्स, फोर्थ आई है जैसे वुमेन हॉकी की टीम, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, और जो भी आपका फाइनल राउंड तक बच्चे गए हैं उनके बारे में आपने डिटेल में लिखना है। देन कंक्लूजन, सारा क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें आपने इंडिया का ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम बहुत अचीवमेंट इंडिया की रही है, गोल्ड मेडल इंडिविजुअल आया है आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिविजुअल मेडल एथलेटिक्स में, देन हॉकी में आफ्टर 41 ईयर्स के बाद आपका मेडल आया है, देन हाईएस्ट मेडल टैली अभी तक की इंडिया की आज तक की ये आई है, ये सारी चीजें आपने डिटेल में लिखनी है। दिस इज क्लियर? इसमें कोई डाउट हो? प्रैक्टिकल फाइल आपने no, sir. प्रैक्टिकल फाइल किस गेम की लिखी है? जो आपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है वो किस गेम पे लिखी है आपने, कौन सी गेम लिखी है? हाँ जी अभय, विच गेम? सर क्रिकेट। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दिस इज ऑल क्लियर। नाउ आपको नेक्स्ट एक ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैक्सिमम आपको सारे मल्टीपल चॉइस के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, ये सारे आपको आएंगे, तो आपको बड़ा माइन्यूटली अपने सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ये छोड़ दो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको पता है हाफ ईयरली में आगे और फाइनल में बोर्ड से क्वेश्चन पेपर आने, ठीक है, इसलिए डेली ज्यादा नहीं, आपको एक तो डेली अपनी क्लासेस में अटेंडेंस अपनी पूरी रखो, नेक्स्ट आपका कुछ ना कुछ आप डेली जो आपको टेस्ट दे रहे हैं उसको पढ़ते रहोगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको अभी सारे हम क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। यस्टरडे वी स्टार्ट द टॉपिक बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या बेनिफिट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, आपने यस्टरडे यू आर एब्सेंट तो आपको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। बायोमैकेनिक्स मींस द डिफरेंट जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, बॉडी पे जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का जो हमारी मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है, और इसका आपके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत रोल है, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, ठीक है, आपका इंजरीज हो गया, जो इंजरीज ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इंजरीज सबसे मेन हमारा फोकस होता है, प्लेयर को इंजरी से कैसे बचाना है। देन आपकी आपका जो डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल्स हो गई है और फंडामेंटल स्किल्स और टेक्निक्स हो गई, उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। देन आपका परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस से रिलेटेड आ गया, परफॉर्मेंस आपने एथलीट की, अपने ट्रेनर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है। देन इट विल हेल्प इन डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं बायोमैकेनिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, आपके इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, उसका एंगल, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, ये सारा स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप बायोमैकेनिक्स के थ्रू इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉडिफाइंग द ट्रेनिंग शेड्यूल, जो आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है, अगर आपको ट्रेनिंग कोचिज को ये हेल्प करता है, प्लस
कोचिज, कोचिज एंड टीचर्स, अगर कोचिज को टीचर्स को बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होगी, उसको पता होगा, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द एथलीट और ट्रेनर्स टू एनहांस, टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जब हमको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उससे बेस्ट नहीं ले सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग ऑल दिस, हमने इक्विपमेंट कैसा है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हमारी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। हर प्लेयर की, जो हर स्पोर्ट्स पर्सन की है, वो ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। यू जस्ट गो फॉर जनरल फिटनेस, जनरल वार्मिंग अप, देन देर इज ए डिफरेंट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन। आपकी गेम से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग चलती है। आपका गेम में मोर स्ट्रेंथ है, मोर आपके रिफ्लेक्सेस है, पावर है, ठीक है, आपका रिएक्शन टाइम, ये सारी चीजें, कहाँ पे स्पीड है, कहाँ पे इंडोरेंस की जरूरत है, स्किल्स, टेक्निक्स, आपकी सब बाद में आ जाती हैं। जब आप में स्ट्रेंथ होगा, स्टेमिना होगा, पावर होगी, इंडोरेंस होगी, तभी आप कोई गेम को लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स टू इवेल्युएट, आपको सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो आप अपनी ट्रेनिंग को, आपके मैचेस में आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, आप अपना आप टेस्ट अपने आप ले सकते हो। आपका डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं स्पोर्ट्स में, रनिंग इवेंट्स में, आप कितना टाइम ले रहे हो 100 को, 200 मीटर्स को, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपने स्किल्स है, टेक्निक को इम्प्रूव करना है। आपने मैच देखा है, क्रिकेट का मैच देख रहे हो आप लोग, इंडिया का मैच देखा है, इंग्लैंड, आपने उसको एंडरसन को बॉलिंग करते हुए देखा? यस सर। हाँ, उसकी आपने स्किल, टेक्निक, यू हैव सीन कि ऑन द सेम स्पॉट ही इज डूइंग इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर, एंड ही इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डिफिकल्ट बॉलर टू फेस। वो उसी एक्शन में, उसी स्पॉट से बॉल को इनसाइड एंड आउटसाइड को मूव करता है, इसीलिए ये ऑल टाइम इज द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ इंग्लैंड। तो दैट इज अ मास्टर ऑफ योर स्किल, कि आपने अपनी स्किल में, आपने अपनी टेक्निक को कैसे उसको मास्टरी उस पर करनी है, दैट इज द मेन थिंग। अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अचीवमेंट अपनी करनी है, अपनी टॉप परफॉर्मेंस देनी है, तो यू शुड बी ए वेरी हाईली स्किलफुल, टेक्निक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बेसिक्स हमारी जो स्किल्स है, टेक्निक पे हम ध्यान देते हैं जब किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, आपने बेस्ट आउट ऑफ देम कैसे लेना है, तो ये आपको बायोमैकेनिक्स से आपको बहुत नॉलेज मिलती है कि आपने मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आपने आउटपुट लेना है। ठीक है, तो दैट इज इवेल्युएट अपने आप को कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल इन रिहैबिलिटेशन, जो सबसे मेन होता है इंजरीज के बाद बेटा क्या होता है, उसको हमने एथलीट को, अपने उसको एथलीट को ठीक करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट रीहैब सेंटर्स। हैव यू, आपने इसकी नीरज चोपड़ा की स्टेटमेंट सुनी है कि 19 में उसको 2019 में इंजरी हो गई थी, आफ्टर इंजरी ऑपरेट करना पड़ा उसको। ठीक है, उसके बाद कोचिज, उनका पूरा स्टाफ और आपका हिमसेल्फ, ही इज डाउटफुल कि मैं उस अपने कैरियर को दोबारा वैसे पीक पे ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा, तो उसके लिए उन्होंने रिहैबिलिटेशन, आपका प्रोग्राम चलता है कि रिहैबिलिटेशन मींस कि रीगेन योर एनर्जी, जहां पे आपको आपको इंजरीज हो गई है, आपका जो पार्ट आपका वीक हो गया, डैमेज हो गया है, आपने आफ्टर इंजरीज उसी स्टेज पे अपनी बॉडी को लेके आना है। दैट इज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम टू रीगेन योर एनर्जी। ठीक है, तो वो बहुत आपको यूजफुल होता है। देन आपका मेन आ गया आपका, इट विल बी हेल्प इन रिसर्च वर्क, जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, जितने भी वो नए नए टेक्निक्स को इन्वेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं हर आदमी पे, हर डिफरेंट एथलीट पे। ठीक है, तो वो एक आपको उसमें एक हेल्प मिलती है, जितना आप रिसर्च करोगे, जितना किसी की चीज के बारे में आप जानोगे, देखोगे, करोगे, तो नेचुरली आपको उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। एज यू नो, लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती है।
इसीलिए हर ओलंपिक में, हर इवेंट में, हर गेम्स में रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। बहुत आपको रेयर ऐसा वर्ल्ड में मिलेगा कि कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो काफी साल तक उसको ब्रेक नहीं किसी ने किया। दैट इज अ रेयर, वो एक्सेप्शनल आर ऑलवेज रेयर। वो कई केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जहां पे आप सोच सकते हो जो एथलीट ने परफॉर्मेंस दी है दैट इज बियॉन्ड, मतलब कि जो सोच भी नहीं सकते हो। कई परफॉर्मेंस वर्ल्ड में ऐसी भी है एथलीट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की। बट मोस्टली क्या होता है, हर साल आपका कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो वहां पर न्यू रिकॉर्ड बनते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एथलीट तैयारियां करके आते हैं, वो आपके ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा करते हैं तो नेचुरली वहां पे क्या होता है, परफॉर्मेंस उनकी जो पीछे वाले हैं उनसे ज्यादा अच्छी अच्छी आनी आगे शुरू हो जाती है। तो इट विल बी हेल्पफुल इन योर रिसर्च वर्क। ये सारा आपका रिलेटेड है बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। इसी में आपको नेक्स्ट आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट है, जैसे हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये कुछ एक मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं। इसका क्या रोल है, ये क्या चीज है, क्या क्यों कैसे होती है, ये सारी आपको उन्होंने बायोमैकेनिक्स में हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन मीन्स सिंपली जब आप क्या करते हो, आपका जो एंगल ऑफ टू बोन्स, सिंपल है, जैसे हमने ये आर्म्स को बेंड किया, एल्बोज को, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो गया, ये आपका एल्बो से एंगल ऑफ इसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स जो आपका डिक्रीज हो रहा है। और जब हम इसको एल्बो को एक्सटेंड करते हैं ऐसे एक्सटेंड, तो इंक्रीज हो गया आपका एंगल। तो दिस इज अ सिंपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यही मूवमेंट आपकी हर बॉडी पार्ट्स में होती है। आपको इसको, आपको डिफरेंट पिक्स आएगी वहां पे एग्जाम में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है उसमें कि विच मूवमेंट आर दिस। जैसे हमने ये आपको मूवमेंट बताई है, ये जब आपका इसको आप बेंड कर रहे हो सिंपल, तो दिस इज फ्लेक्शन, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो दिस इज एक्सटेंशन। वही सेम आपका लेग में होता है, नीज के पास बेंड कराओ करोगे आप उसको एक्सटेंड करोगे, दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट कहाँ कहाँ बॉडी पार्ट में होता है, आप रिस्ट में कर सकते हो, एल्बो में कर सकते हो, नेक में, हिप में, ये चीजें आपको वहां पे, आपको डिफरेंट फोटोज वहां पे हम पिक्स डालेंगे, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स होगी सिमिलर रिलेटेड टू। तो सिंपल है, इसको आपने क्या करना है, फ्लेक्शन मीन्स कि जहां पे एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स डिक्रीज, ठीक है, जब एंगल डिक्रीज होता है। अब जैसे आपने फ्लेक्शन है, इसको नेक को बेंड कर दिया, चेस्ट की तरफ ऊपर कर दिया, एक्सटेंशन है। सेम आपने हिप को है, ठीक है, हिप को आप ऐसे बेंड कर रहे हो, देन एक्सटेंड कर रहे हो, हिप का हो गया, ये आपका नेक का हो गया, ऐसे ही आपका एल्बो में हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका रिस्ट में हो जाते हैं, रिस्ट को आपने एक्सटेंड करना है, ये बेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है सिंपल कि डिफरेंट पिक्स आएगी उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या है, ऑपोजिट इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स कि मूवमेंट दैट इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब आपने ये फ्लेक्शन किया, ये इसको एक्सटेंशन कर दिया, तो ये आपका एंगल इंक्रीज हो गया। सेम आपका जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन से जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हो दैट इज एक्सटेंशन। ये भी आपके सेम वहीं पे ही होता है सारे बॉडी पार्ट्स में, सम टाइम इट इज हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। हम ये कर रहे हैं ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, समटाइम हाइपर एक्सटेंशन, बहुत पीछे तक चल जाते हैं। ये किसमें होते हैं, दोज हु आर अ जिमनास्ट। आपको पता होगा जितने भी जिमनास्ट होते हैं, जिमनास्टिक इवेंट एक ऐसा होता है जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होती है। आपका वहां पे जो मूवमेंट होती है, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सीबल नहीं होगी, जो वहां पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप उसको नहीं कर सकते हो। जिमनास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक ऐसा इवेंट है, वहां पे आपको डिफरेंट इक्विपमेंट में सारी एक्सरसाइज करनी होती है। रोमन रिंग है, फ्लोर होता है, पैरेलल बार है, ठीक है,
देन बैलेंसिंग बीम है, ये सारी हॉरिजेंटल बार है, सारे इक्विपमेंट बने होते हैं। उस इक्विपमेंट्स पे आपको अपना ड्रिल, अपनी टेक्निक को एग्जीक्यूट करना होता है, फिर उसके पूरे आपको मार्क्स मिलते हैं, फिर ओवर राउंड प्लेयर ओवरऑल उसका टैली करते हैं, कितने मार्क्स हैं, कौन फ्लोर पे अच्छा है, कौन रोमन रिंग में अच्छा है, ठीक है, वो सारा टैली करके फिर उसका रिजल्ट निकलता है। तो दैट इज हाइपर एक्सटेंशन, दैट इज नीड, दैट इज ए हाई रेंज ऑफ नॉर्मल रेंज से ज्यादा जिसकी रेंज होती है। सेम इसमें बेटा एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, सिंपल है। एड का मतलब है कि बॉडी के क्लोज लेके आना, सेंटर जो लाइन आपकी इमीजिएटली सेंटर लाइन है, अगर आप किसी बॉडी पार्ट्स को इनसाइड लेके होते हो, ये दिस इज एड, एडक्शन, बॉडी को अपने क्लोज लेके आना सेंटर और मिडल लाइन के टुवर्ड्स, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिडल लाइन ऑफ और सेंटर लाइन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी स्ट्रेट हम खड़े हैं तो ये सेंटर लाइन है, स्ट्रेट, ठीक है। जब हम किसी अपने पार्ट्स को क्लोज लेके आते हैं सेंटर लाइन के, दैट इज एडक्शन, इसको हम ऐड कर रहे हैं, एबडक्शन। और एडक्शन के ऑपोजिट एबडक्शन, ऐड हो गया ऐड करना बॉडी के साथ जोड़ना, एबडक्शन हो गया इसको अवे लेके जाना, ठीक है। इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन, जो आपकी मिडल और इमेजिनरी सेंटर लाइन है, इससे हम अगर दूर बॉडी पार्ट्स को लेके जाते हैं, दैट इज एबडक्शन। दैट इज इन सेम, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाया, आर्म्स में हो गया है, ठीक है, लेग्स में आप कर सकते हो, इसी में आपका रोटेशन है, ग्लाइडिंग है, ठीक है, जब जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं उसको हम ग्लाइडिंग बोलते हैं। रोटेशन करना है, जैसे हम रोटेट करते हैं ना शोल्डर रोटेशन, आप एक्सरसाइज करते हो, जहां पे आपको डिफरेंट एक्सरसाइज भी लिखाई है, रोटेशन एक्सरसाइजेस। देन देयर इज अ सर्कमडक्शन, एक ही पॉइंट पे एक्सिस पे आप ऐसे हैंड को घुमा रहे हो, दैट इज सर्कमडक्शन। ये डिफरेंट बॉडी की मूवमेंट्स है। देन एंगुलर, उसी के एंगल में जो हम मूवमेंट करते हैं वो एंगुलर मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो इनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, आपको बुक्स में भी ये सारी दी हैं, उसकी विद फोटोग्राफ्स आपको वहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, देखना है। आपको बहुत क्वेश्चन क्योंकि इसी के इसी टाइप से आएंगे। देन नेक्स्ट बेटा, इसी में आपको चैप्टर में आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। इसमें आपने एक चीज बड़े ध्यान से सुननी है, आप लोग सारे लॉज वगैरह अच्छी तरह लिख देते हो, बट व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन यू हैव टू गिव द डिफरेंट एग्जांपल्स, तो दैट यू हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू द लॉज। लॉ फर्स्ट है, इनर्शिया है, एक्सेलरेशन है, लॉ ऑफ, ठीक है, थर्ड लॉ है, एक रिएक्शन का है। आपको हर न्यूटन का कोई भी अगर आपको लॉज पूछा जाता है तो विद एग्जाम्पल, तो यू हैव टू गिव द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉज, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एग्जाम्पल पता होगा रिलेटेड स्पोर्ट्स से, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में भी ईजी होगा, प्लस एग्जामिनर को भी पता होता है कि आपको पूरी नॉलेज है रिगार्डिंग दिस लॉज, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपल है। अगर कोई चीज, कोई फुटबॉल है, कोई एनी ऑब्जेक्ट है, अगर वो कहीं सरफेस पे पड़ी है तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, ठीक है। ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस, ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स मोशन। मींस कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्टिंग पोजिशन में है या मोशन में है, तो वो उसी उसमें रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हो। सिंपल है, अगर आपने किसी बॉल को, किसी चीज को ग्राउंड पे रखा है तो वो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। और इन द सेकेंड सिचुएशन, अगर कोई रोल कर रहे हैं, हम किसी बॉल को हमने रोल कर दिया है, ठीक है, तो वो रोल करती रहेगी जब तक कोई उसको फोर्स आके रोकेगी नहीं। इसी में आपको फ्रिक्शन भी आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो पहले आप सिंपल ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, वो अगर रेस्टिंग पोजीशन में है या मोशन में है, ठीक है, तो वो उसी सिचुएशन में रहेगा जब तक, अनलेस और अनटिल, ठीक है, कोई आपकी एक्सटर्नल फोर्स
उस पे एक्ट नहीं करती है। तो दैट इज सिंपल, इसके आप एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे दे सकते हो। आप कोई स्केटिंग कर रहे हो, स्केट लेके आपने स्केटिंग कर रहे हो, तो वो आप स्केटिंग में आपका जब तक फ्रिक्शन, कोई रोकेगा नहीं आपको, फोर्स नहीं आएगी, आप रोल करते रहोगे। बॉल को आपने रखा है कहीं पे, फुटबॉल को रखा है ग्राउंड में, हॉकी बॉल को रखा है, तो वो सेम पोजिशन पे ही रहेगी जब तक आप उसको किसी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। तो ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू गेम्स, ये सारे आपके इफेक्ट पड़ते हैं आपकी परफॉर्मेंस में। आपने देखा होगा, हैव यू चेक दैट, कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, डिफरेंट लॉज का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें देख के ही आपके डिफरेंट टेक्निक्स, रूल, रेगुलेशन बनते हैं। आपने किसी बॉल को फेंकना है, उसका एंगल क्या होना चाहिए, फोर्स कहाँ अप्लाई होनी चाहिए, आपका नॉन थ्रोइंग आर्म कैसा होना चाहिए, हर एक गेम के हर फंडामेंटल स्किल्स बनी है, टेक्निक्स बनी है, आपने उसको कैसे खेलना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, बॉल को कैसे पकड़ना है, बॉल को किक कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीज बनी होती है। और ये सारी साइंटिफिकली है, जैसे आपका ये बायो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, आपका एडवांस स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने में, स्पोर्ट्स पर्सन से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, ये सारा आपका डिपार्टमेंट सारा साथ चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज को इम्प्रूव करना है तो आपको माइन्यूटली हर छोटी छोटी चीज को रेक्टिफाई करके उसको इन फर्दर एडवांस, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम एडवांस टेक्निक करते हैं, एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या चाहिए होता है, विल पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस यू हैव, बट विल पावर बहुत काम आती है। जितना भी आप हाई लेवल पे कोई मेडल लेते हो, ठीक है, आपने अभी देखा है नीरज का एग्जाम्पल, अभी उसने सिंपल उसने क्या बोला है, उसके स्टेटमेंट सुनी है, अभी रेस्ट नहीं, अभी घर पे आके थोड़े दिन सबको मिलना है, आफ्टर दैट देर इज ए न्यू कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, पूछते नहीं हो कुछ आना जाना है, वेट करो, ठीक है। इन फ्यूचर विच कॉम्पिटिशन आर देयर दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, एंड आफ्टर दैट अगेन ओलंपिक, ठीक है, 24 में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। यस, कम इन।